कि अगर किसी गरीब के पास पानी का बिल देने के पैसे नहीं है तो पानी नहीं पिएगा क्या? दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 53,000 करोड़ का बजट आज विधानसभा में पेश किया। बजट पेश करते हुए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि यह देश का पहला ग्रीन बजट है। एनजीटी की कई बार फटकार सुन चुकी दिल्ली सरकार ने इस बार बजट में पर्यावरण पर खासा ध्यान दिया है। सिसोदिया ने इस साल दिल्ली में 1000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का ऐलान किया। इसके अलावा खराब और टूटी हुई सड़कों को बनाने के लिए भी 1000 करोड़ का प्रस्ताव दिया। केजरीवाल सरकार ने सीएनजी से चलने वाली कार खरीदने पर रजिस्ट्रेशन चार्ज में 50% की छूट का भी ऐलान किया। लंबे इंतजार के बाद इस साल वाईफाई योजना के लिए 100 करोड़ का आवंटन किया। वहीं केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के 1,20,000 स्कूलों में सीसीटीवी लगाने का भी वादा किया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि हर स्कूल में 150 से 200 कैमरे लगाए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने इस साल शिक्षा के लिए सबसे अधिक 26% बजट का प्रावधान किया। मोहल्ला क्लिनिक और पॉली क्लिनिकों के लिए बजट में 403 करोड़ का प्रावधान किया गया। दिल्ली सरकार ने नगर निगम को इस साल कुल बजट का 13% आवंटन किया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे कर चुकी है, लेकिन लोगों से जो वादे कर केजरीवाल सरकार में आए थे वे अब भी पूरे होने बाकी है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या दिल्ली के लोगों की उम्मीदें इस साल पूरी होंगी या फिर एक बार केजरीवाल सिर्फ बहाने बनाते नजर आएंगे।